पैसे को कहाँ लगाएं, भारत की आधी से जनता सिर्फ यही सोचती है कि एफडी कर लेते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं। एफडी मतलब जहाँ पैसे की पूरी गारंटी हो और ठीक ठाक आपको रिटर्न भी मिल जाए। बस एक बार एफडी कर लो और फिर बैठ जाओ आराम से। इस एफडी को किसान से लेकर मिडिल क्लास और ठीक ठाक लोग तक एफडी कराना बहुत पसंद करते हैं। अगर आज की बात करें तो एफडी एक भरोसेमंद जरिया बना हुआ है कि पैसे को निवेश करने का। इसका एक मुख्य कारण ये है कि बीते साल में शेयर बाज़ार की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। लोगों ने बैंकों और टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप पर बहुत पैसा लगाया, पर इतना अच्छा रिटर्न वो नहीं ले पाए। मूलधन घटकर 30 से 50 फीसदी ही रह गया है। फरवरी में रूस और यूक्रेन में युद्ध होने शुरू हो गए, तो इससे हालात और भी मुश्किल होने शुरू हो गए। सप्लाई चेन गड़बड़ाने लगी और महंगाई बढ़ने लगी थी, और नतीजा ये आया कि केंद्रीय बैंकों को अपने ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ा। अगर अपने भारत की बात करें तो रिजर्व बैंक ने भी अपने ब्याज दरों को बढ़ाया। रेट बढ़ने की शुरुआत बहुत लंबे समय बाद शुरू हुई। मई में सबसे पहले रेट बढ़ना शुरू हुए थे। इससे पिछले साल मई में ही रिजर्व बैंक ने 0.40% की कटौती की थी। तब रेपो रेट 4% था। सबसे ज़्यादा इजाफा इसी दिसंबर में हुआ है। हाल ही में RBI ने 0.35% का इजाफा किया। ये पांचवी बार था जब रेट बढ़ाए गए हैं। अब रेपो रेट 6.25% है। इस साल मई में RBI ने 0.40% का इजाफा किया था, और उसके बाद जून अगस्त सितंबर में भी रेपो रेट थोड़े थोड़े बढ़ाए गए 0.50%। कुल मिलाकर रिजर्व बैंक रेपो रेट में 1.9% का इजाफा कर चुका है। तो ये बात थी कि फिक्स डिपॉजिट को यानी FD को इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा जरिया बना दिया गया। ऐसा हुआ कि कर्ज महंगा हुआ तो बैंकों को भी जमा पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, और निवेशकों को फ़ायदा हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि किन बैंकों में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला बैंक यही है कि सूर्योदय स्मॉल बैंक। इसमें आपको 999 दिनों में 8.51% का अच्छा ब्याज मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसमें आपको 9.05% का रिटर्न मिलता है। अगर आप इतने दिन नहीं लगा सकते तो आप 18 महीने या 2 साल बिता लीजिए, तो आपको 8.01% का ब्याज मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन के लिए ये रेट 8.79% हैं। और अगला बैंक है यूनिट स्मॉल बैंक। इसमें आप लोगों को 501 दिनों के लिए 8.5% का ब्याज मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इसमें आपको 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करता हूँ कि आप कैसे हर महीने 7500 रुपये कमा सकते हैं। तो बात यह है कि अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा 9%। तो इसमें आपको ब्याज पर 90,000 रुपये सालाना मिलेंगे। मतलब ये है कि हर महीने आपके खाते में 7500 रुपये आएंगे। वहीं आपको एक और बैंक जो कि है उज्जीवन बैंक, वो आपको 560 दिनों के लिए 8% का ब्याज देता है, और सीनियर सिटीजन के लिए वो 8.75% बढ़ जाता है, यानी 8.75% है। और यहीं अगला बैंक है उत्कर्ष स्मॉल बैंक, जो कि आपको 700 दिन के लिए 8% का ब्याज दे रहा है, और वह यहीं सीनियर सिटीजन के लिए बढ़ जाता है 8.75% का। तो इसमें आपको 7.75% का इजाफा देखने को मिलता है। वहीं अगला बैंक है RBL बैंक, यानी RBL बैंक, जिसमें अलग अलग समय अगर आप FD कराते हो अलग अलग समय की, तो आपको 3.25% से लेकर 7.25% मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 3.75% से लेकर 7.75% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात यह आती है कि यहाँ पैसा लगाना सुरक्षित है। यहाँ पर आपको 5 लाख तक आपको गारंटी मिलती है। ये बैंक DCGIC से इंश्योर होते हैं, यानी आपका इतना पैसा तो सेफ रहेगा। अगर आप किसी सरकारी बैंक में करना चाहते हैं तो आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक ठीक है। ये आपको 600 दिन की FD पर आपको 7.25 की ब्याज दर देता है। ये आपको 666 दिन की FD पर आपको 7.25% का ब्याज दर देता है। इसी तरह आपको कैनरा बैंक में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको
3.25 से लेकर 7.25 तक आपको ब्याज दर देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप इन में आसानी से पैसा लगा सकते हैं और ऊंचे ब्याज का फ़ायदा उठा सकते हैं। बढ़ती ब्याज दरों के दौरान आप यहाँ अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रिपोर्ट में बस इतना ही। आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो जय हिंद।